वहीं सिद्धू कानू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या के विरोध में भाजपा ने आज हुल दिवस पर राजधानी रांची के सिद्धू कानू पार्क में मौन श्रद्धांजलि दिया और सरकार से मांग की कि दोषियों को अविलंब पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। मौके पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, रांची के सांसद संजय सेठ, हटिया विधायक नवीन जायसवाल सहित भाजपा के कई नेता इस मौन धारणा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमारे पार्टी का एक डेलीगेशन स्वर्गीय रामेश्वर मुर्मू के घर गया था, जहां उन्होंने परिवार वालों से आग्रह किया था कि हुल दिवस के मौके पर सिद्धू कानू की मूर्ति पर माल्यार्पण नहीं किया जाए। उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए पार्टी के तरफ से यह तय किया गया कि आज हुल दिवस के मौके पर मौन श्रद्धांजलि ही दिया जाएगा। रामेश्वर मुर्मू के हुए हत्याकांड के बाद उनके परिवार वालों के साथ पूरे गांव को सरकार पर भरोसा नहीं रह गया है। परिवार वालों के साथ हम भी सरकार से मांग करते हैं कि इस घटना की जांच सीबीआई से कराई जाए। परिवार से देख ले और लोगों ने स्पेशल आग्रह किया था कि हम सब लोगों का कि आप सब लोग इस बार फूल मार और फिर उन लोगों ने आकर के पार्टी को बताया। फिर हम सब लोगों ने तय किया जब हमारे पार्टी के प्रतिनिधि मंडल उस परिवार से मिले और परिवार के लोगों ने जब तो हमें उस आग्रह का पालन करना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए और इसलिए पार्टी की ओर से यह तय हुआ कि आज हम मौन श्रद्धांजलि ही उनको अर्पित करेंगे दोनों को। और उसके पीछे का ये जो कारण है रामेश्वर मुर्मू की जिस प्रकार से हत्या हुई और हत्या के बाद क्योंकि उस परिवार के लोगों का, उस गांव के लोगों का राज्य सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, राज्य के पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है, इसलिए पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की लोगों ने मांग। तो हम भी सरकार से मांग करते हैं कि जब उनके परिवार को राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है, पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है, तो राज्य के मुख्यमंत्री को बिना विलंब किए केस को जांच के लिए सीबीआई को हस्तांतरित करो। तो ये होता है कि जिन लोगों ने आदिवासियों के नाम पर राजनीति कर दी और वही लोग आदिवासियों को लूटने का भी काम करते हैं तो ये बड़ा दुखद है। फिर कौन उसको बचाएगा, ये तो बड़ा मुश्किल। ये बात तो मैं कहूँगा कि आप जाके पूछे उसके परिवार के लोग, तो कोई बीजेपी के सदस्य भी मेरे जानकारी में तो नहीं थे और उसके परिवार के लोगों ने अगर सार्वजनिक रूप से आप सबने भी अखबारों में देखा और हमारे प्रतिनिधिमंडल जा करके वहाँ मिले और लोगों ने आग्रह किया तो हम सब लोगों का भी दायित्व तो बनता है कि हमें उसके परिवार के साथ जोड़ करके इस दुख की घड़ी में और उनके आग्रह को हमें मानना चाहिए। अब जीएमएम को राजनीति ही दिखाई पड़ रहा है तो उसका तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं। इंडिया न्यूज़ वायरल बिहार झारखंड की रिपोर्ट।